मेबी ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, लेकिन एग्जाम के टाइम स्ट्रेस लेके बिल्कुल फायदा नहीं है. तो एग्जाम के टाइम योर माइंड सेट, योर फोकस, एवरीथिंग शुड बी अबाउट ट्राइंग टू मे बी एज काम एज पॉसिबल, एंड ताकि जो भी अभी तक पढ़ा है वो याद आ जाए. तो यहाँ पे ये बात आ जाती है, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट काफी लिख लिए थे, मुझे एग्जाम से डर होना थोड़ा कम हो गया था. जब मैं एग्जाम स्टार्ट करता हूँ, जब पेपर आता है, थोड़ा सा वो टेंशन एनजाइटी वगैरह होता है, बट जब पहले के 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद यू काइंड ऑफ गेट इन टू दैट ग्रूव, वो एक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो कि फॉर मी नाउ, असाइड फ्रॉम द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, नथिंग एल्स मैटर्स. काइंड ऑफ फोकस सिर्फ उस एग्जाम पे भी नहीं, उस क्वेश्चन पे जाता है जो तुम सॉल्व कर रहे हो. देर इज नो पॉइंट थिंकिंग अबाउट द लार्जर पिक्चर एट दैट पॉइंट. जब एग्जाम लिख रहे हो तो जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो उसके बारे में ही सोचो. एज मच एज पॉसिबल योर माइंड स्पेस शुड बी यूज फॉर दी एग्जाम, फॉर दैट क्वेश्चन दैट यू आर सॉल्विंग ओनली. सो आई थिंक, मतलब मेरे लिए तो मेरा माइंड सेट वो था. यार वही होता है कि प्रिपरेशन में आपको इसी के लिए प्रिपेयर करना है कि माइंड को कैसे स्टेबल रखना है एंड डे पे, कि आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली लेकिन लास्ट में आपको वो स्ट्रेस हो गया और आपने कुछ गलत कर दिया। तो हर टेस्ट से पहले ये सोचना है कि बिल्कुल माइंड रिलैक्स कर लेना है पहले, तो एंटिसिपेशन थोड़ी होती है लेकिन उसको मिनिमम पे रखना है। जब एग्जाम वाले दिन देने जाओगे तो बिलीव इन योरसेल्फ कि मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया है, अब जो भी होगा दैट विल बी गुड ओनली। सो आउटकम को मत सोचो, जो आपने प्रिपेयर किया उस पर कॉन्फिडेंस रख के पेपर देने जाना, तो स्ट्रेस अपने आप कम होगा एंड आउटपुट अपने आप अच्छा होगा। अगेन सेम थिंग यार, कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और काफी ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ. अगेन मृणाल ने कहा था कि काफी मॉक टेस्ट उसने लगाए थे, तो ऑब्वियसली वो काफी हेल्प करता है. क्योंकि फॉर मी नीट वाज नॉट एनी काइंड ऑफ एग्जाम, इट वाज अगेन कि मैं सुबह उठ रहा हूँ और एक एग्जाम लगा रहा हूँ, है ना. तो 2 से 5 हर दिन मैं भी लगाता था मॉक टेस्ट, तो वो हो गई थी रूटीन कि मेरे को हर सुबह उठ के 2 से 5 एक फुल सिलेबस टेस्ट देनी है. नीट भी कुछ इसी प्रकार का हो गया था, तो इसलिए मेरा एग्जाम के रिलेटेड जो लोगों का वो डर होता है वो काफी कम हो गया था. अगेन कि जो लास्ट मंथ में जो लोग कहते हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा अपना फोकस कम करना है ना, कि जो तुमको सबसे ज्यादा हार्ड लगता है वो चीज तुम्हें करनी है, तो अपने टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट कम करते रहो कि ये मेरे को सबसे ज्यादा हार्ड लगता है तो मैं इसी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ूंगा. ऐसे करके आपको सॉर्ट आउट करते रहना है, और आई थिंक उससे आपका डर काफी कम हो जाएगा. कि यू हैव कॉन्फिडेंस, जिस चीज पे तुम हर बार गलती करते आ रहे हो उस पे अगर तुम कॉन्फिडेंस लाओगे तो आई थिंक दैट विल डू द थिंग. और मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे यश पिछले बार जब आए थे तो वसीम सर ने कहा था मतलब आपकी एक क्वालिटी कि आप डाउन टू अर्थ हो, तो मुझे मतलब आपसे तीनों से ऐसे अपनी आपकी अच्छी क्वालिटी सीखनी थी कि क्या है जिससे मैं सीखूं। यार ऐसा नहीं है, मतलब ये लोग भी यार काफी डाउन टू अर्थ है, देख लो. मतलब मैंने एक नहीं, रिक्वेस्ट की और उनकी इन लोग. स्पेशलिटी, आपकी स्पेशलिटी। अच्छा, तो ये लोग क्या क्वालिटी स्पेशल क्वालिटी क्वालिटी स्पेशल क्वालिटी तो कुछ किसी में भी होती नहीं है इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. अगर एक चीज जो मैंने देखा है टेंड्स टू बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, इट्स हाउ मच कॉन्फिडेंस एंड फेथ यू हैव इन योरसेल्फ. मैंने अपने स्कूल के काफी दोस्तों को एंड कोचिंग में मेरे बैच के काफी दोस्तों को देखा था जो प्रॉब्ली मुझसे काफी ज्यादा जानते थे सब्जेक्ट कंटेंट में, कंसेप्चुअल एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग वगैरह में. दे न्यू अ लॉट मोर देन मी, बट या तो एग्जाम के दिन उनका लक खराब था, या फिर मे बी दे डिडंट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ, विच इज वाई वो स्ट्रेस के अंडर आके काइंड ऑफ एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए. तो ये कभी मत सोचना कि जो लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं वो एज अ रूल तुम लोगों से या हमारे दूसरे बैचमेट से ज्यादा स्मार्ट होते हैं. देयर्स आई हैव मेट सो मेनी मेडिकल स्टूडेंट्स जो मुझसे काफी ज्यादा स्मार्ट है लेकिन फॉर व्हाट एवर रीजन एम्स नहीं पहुंच पाए. तो एक चीज जो मैं कहूंगा, विच आई थिंक वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प अगर आप लोग सब डेवलप कर पाए, इट्स टू हैव फेथ इन योर सेल्फ. एंड ये कभी मत सोचना कि जो पढ़ाई मैंने की है वो अगर लास्ट के दिन मैं एक बार उसको जल्दी से रिवाइज ना कर लूँ तो पिछले के 2 साल, मतलब
कुछ मायने नहीं नहीं रखती, यू नो, ऑल दैट एफर्ट, ऑल दैट वर्क दैट यू पुट इन इट काउंट्स. तो आई गेस दैट्स द ओनली वन थिंग दैट आई'd से, वन पर्सनल क्वालिटी दैट हेल्प मी डू व्हाट आई हैव, इट्स दैट मैन आई हैड फेथ इन माई सेल्फ. इसमें काफी मदद भी थी मेरे फैमिली की, मेरे दोस्तों की, मेरे टीचर्स की. दे ऑलवेज मोटिवेटेड मी एंड मेड मी रियलाइज कि यू नो यू पुट इन द वर्क, सो ट्रस्ट द प्रोसेस. बट आई थिंक एट सम लेवल वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाना भी इम्पोर्टेंट होता है. क्वालिटी यार मेरे ख्याल से मैं टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक कर लेता था, कि मुझे पता होता था कि इस टाइम पढ़ना है तो इस टाइम पढ़ लेता था, एंड उसकी वजह से मैं अपने और इंटरेस्ट के लिए टाइम निकाल पाता था। तो मैं काफ़ी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड सा था, कि 10th तक तो मैंने स्विमिंग बास्केटबॉल वगैरह खेलता, पढ़ाई 11th में स्टार्ट हुई। तो अब वो सारी स्पोर्ट्स वाली चीज़ें कैसे इनकॉर्पोरेट करनी है कि मेरा मेंटल हेल्थ ठीक रहे, स्ट्रेस मैनेज में रहे, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। मेरे ख्याल से मैंने ये मैनेज कर लिया था कि मैं पढ़ाई के साथ अपना थोड़ा जो स्पोर्ट्स को अपने साथ रखूं, ताकि स्ट्रेस वगैरह जितना भी कम हो सकता है उतना कम रहे। थैंक यू. आप तीनों के लोएस्ट स्कोर क्या थे मॉक टेस्ट में? क्योंकि स्पेशली सर हमारे जब दोस्तों में वही बात चल रही कि मेरा सब सब सबसे कम मतलब स्कोर मेरा आता है दोस्तों में, यहाँ सब में, तो वो सब मेरे को बोलते हैं कि तू टेंशन मत लिया कर, उनको पूछ, वो जब आएंगे उनको पूछना कि उनका क्या स्कोर था एक्स वाई जेड, वही चलता सर. यार लोएस्ट स्कोर बहुत वेरिएबल सी चीज़ होती है। मतलब मेरा बहुत कम नहीं गया था, मेरे ख्याल से मेरा 580 तक था। हाँ मेरा भी अराउंड उतना ही था, शायद एक टेस्ट में 590 कुछ तो आया था शायद, दैट वाज माय लोएस्ट. मेरा भी यार शायद वही कि 550 के आसपास कभी गया होगा. बट मेरा एक चीज खास था कि अगर मैं 700 भी ला रहा हूँ या फिर 550 भी ला रहा हूँ, मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स कॉन्स्टेंट ही रहते थे, 170 175, जो भी कम जाता था बायोलॉजी में ही जाता था. तो आई थिंक वो मेरे लिए काफी इजी था सॉर्ट करना कि मेरे को बायोलॉजी ही पढ़नी है 3 4 महीने लगा के. तो आई थिंक आप भी ऐसा कर सकते हो कि लोएस्ट स्कोर मैटर नहीं करता, तो बस यही कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कम आ रहा है, दैट्स ऑल. और तीनों के लिए क्वेश्चन था कि पढ़ाई जो करनी है वो रात में करनी है दिन में करनी है, कि सबका फिर रात दिन कर लो यार, एक्चुअली इतना जरूरी है? मतलब मेरा तो वे ऐसे ही था कि मैं काफी पढ़ता था, मतलब मेरे पास बहुत कम शॉर्टकट्स थे ऐसे. मैं काफी हार्डवर्क में बिलीव करता हूँ, और शायद अगर कभी मैं मतलब अगर मेरा मार्क्स भी अगर कभी कम हो जाता तो आई थिंक उसी की वजह से कि मैंने काफी कम मेहनत की हो, ऐसे वजह से. मैं काफी मतलब स्टार्टिंग से काफी मेहनत पे ज्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर इतना चीज नीडेड है, अगर 16 घंटे नीडेड है तो मेरे को लगाना ही है उतना टाइम, ऐसा है. तो आई थिंक जितना ज्यादा आप दे पाओ दिन में या फिर रात को जितना भी है आप, तो लगा यश लो. भैया हमने आपको तो देखा है, लेकिन इन दोनों से क्वेश्चन था वह सर। अच्छा. आपको तो हमने देखा है, हम आपके साथ बैठा करते थे लाइब्रेरी में, स्टार्टिंग में हमारे 11th थी आप। मैं पर्सनली दिन में पढ़ता था. कॉलेज आके मैंने रात में पढ़ना शुरू किया है, बट अप अंटिल 12th एटलीस्ट मेरा सबसे इफेक्टिव टाइम ऑफ स्टडी दिन में होता था. मोर स्पेसिफिकली बिटवीन, इट्स ऑलमोस्ट डाउन टू अ टाइम स्लॉट, 9 AM to 2 PM. जो 12th में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो वो लंच के बाद स्टार्ट होती थी. तो दिन का जो टाइम था, पोस्ट ब्रेकफास्ट प्री लंच, दैट वॉज माई पर्सनल फेवरेट टाइम टू स्टडी. एंड मैं जितना काम था दिन का, जितना हो सके आई'ड लाइक टू फिनिश इट इन दैट टाइम. तो ये एनालाइज करना इम्पोर्टेंट होता है. कुछ लोगों के लिए रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो वो लोग अपना मैक्सिमम वर्क ऑफ द डे रात में करते हैं. तो यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है. फॉर मी इट्स द मॉर्निंग, फॉर समवन एल्स इट माइट बी द नाइट. बट वंस यू फिगर आउट कि तुम्हारे लिए वो आइडियल स्वीट स्पॉट कौन सा है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट. यार मैं भी दिन में ही पढ़ता था, 12 बजे होते मुझे नींद आती थी तो मैं सो जाता था। बाकी मेरा स्कूल होता था सुबह उठते ही, तो दोपहर तक स्कूल चलता था, एंड अप्रोक्सीमेटली 5 o'clock इवनिंग से 10 11 o'clock नाइट तक। तो बहुत लेट नहीं, लेकिन इवनिंग वाले टाइम में पढ़ता है मोस्टली। हमारा सवाल आप तीनों से है, आप तीनों ने वैसे
कभी कोई टॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो की है या नहीं? कोई टॉपर स्ट्रेटेजी यार, कोई अलग स्ट्रेटेजी आई डोंट थिंक होती है कि टॉपर स्ट्रेटेजी कोई है जिससे कोई टॉपर बन जाएगा। सेम चीज सबको करनी है, लेकिन वही चीज कितने एफिशिएंटली कर सकते हो, कितने डेडिकेटेडली बार बार पढ़ सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। कोई स्ट्रेटेजी है तो बता दे। मैंने पर्सनली तो ऐसे टॉपर्स की वीडियोस काफी कम देखी थी। शायद एक टाइम था जो एट वन पॉइंट ड्यूरिंग प्रेपरेशन शायद मैंने दो तीन देखी होंगी। बट ये चीज देख लो, आज फॉर द लास्ट 1.5 to 2 hours वी सैट हियर एंड वी आंसर्ड सम प्रीसेट क्वेश्चन, सम ऑफ योर क्वेश्चन। बट मुझे नहीं लगता कि जो हमने कहा है उसमें से आपको बहुत कुछ नया सुनने को मिला है। 90 to 95% ऑफ द थिंग्स वी सेट समवन एट सम पॉइंट हैज ऑलरेडी टोल्ड यू, और यू काइंड ऑफ न्यू इट बाय योर सेल्फ। तो शायद दूसरे लोगों से सुनना सिर्फ वो रीइन्फोर्समेंट आता है कि यू फील कि अच्छा ठीक है सही कह रहे होंगे, बट हमने कुछ नया नहीं कहा है। हम में से किसी के पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या कोई ऐसा छुपा हुआ हीरा जैसा बुक तो है नहीं जिससे हमें रैंक मिल गया, जो आप आपको कहते हैं करने के लिए हमने भी वही किया है। सो टॉपर स्ट्रैटेजी आई थिंक इट्स जस्ट ये देखना कि जो लोग कहते हैं, जो सुनते आ रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने से रिजल्ट आ जाएगा, मॉक टेस्ट करने से रिजल्ट आ जाएगा, तो हमारी बात सुन के मे भी शायद थोड़ा सा फेथ आता हो, बट ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई बिल्कुल ही नई नई स्ट्रैटेजी कही है ना। सो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट दैट कि शायद मे बी लिसनिंग फ्रॉम समवन एल्स लाइक ड्यूरिंग माय प्रेपरेशन टाइम किसी सीनियर से अगर मैं सुन लेता तो आई वुड हैव हैड अ लिटिल मोर फेथ इन दैट मेथड, बट ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ बिल्कुल ही नया कह दिया था। लास्ट के 15 days में नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ज्यादा करना चाहिए या फिर जो अपने कॉन्सेप्ट है वो मतलब डबल से ब्रश अप करना चाहिए? मैंने तो डेली 1 mock test ही लिखा था। शायद एक दो दिन होते थे जब मैं 2 लिख लेता था, बट पर्सनली आई डिडंट लाइक दैट क्योंकि मेरा पूरा दिन सिर्फ टेस्ट लिखने में चला जाता था एंड आई वुडंट फाइंड द टाइम टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम दैट। तो एस मतलब इन माय ओपिनियन लास्ट के 15 दिन, लास्ट के 1 महीने में आइडियल फ्रीक्वेंसी तो वही होती है कि 15 आई मीन दिन में एक बार, दिन में एक मॉक टेस्ट लिखना एंड उसको ठीक से एनालाइज करना। लास्ट के 30 days में जो फिजिक्स की हम रिवीजन करते हैं उसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करें या बस फॉर्मूला पे रिलाई करें कि हमें फॉर्मूला आता है तो बस हो जाएगा उससे? यार फिजिक्स में फॉर्मूला रटना बहुत मुश्किल चीज है, तो जितने क्वेश्चंस करोगे एप्लीकेशन जैसे सीखोगे उससे बेनिफिट होता है। तो फिजिक्स मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड होती थी। सपोज ये टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे मेरे से, मतलब वो कॉन्सेप्ट वीक है, मतलब वो फॉर्मूला नहीं आता, तो उस टाइम पे उस चीज पे जा सकते हो। मेजरली क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए फिजिक्स में। मेरा यही क्वेश्चन है कि लास्ट के 1 मंथ में आपको क्या लगता है कि ये गलती हो सकती थी जो आपने की है बट उसका ये नहीं हो सकता? ऐसे गलती क्या हो सकती मेन जो हम कर सकते आगे, जो हमें नहीं करनी चाहिए? हाँ, लास्ट 1 मंथ में बहुत लोग ये सोचते हैं कि पूरा सिलेबस रिवाइज कर देना है, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट सा टास्क है। 100 chapter है आपके पास, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत मुश्किल होगी पूरा सिलेबस करने में। तो एंड तक आते आते ये कर लो कि आपको पता होना चाहिए वीक टॉपिक्स, एंड फिर वीक टॉपिक्स पे फोकस करना है। और दूसरी चीज, मेनली स्ट्रेस नहीं लेना। बहुत लोग स्ट्रेस लेके अपना मेन एग्जाम खराब कर देते हैं लास्ट के डेज में। माइक पीछे पास ऐसे ही बोल लो अगर आ रही है बस। ये बोल कर भाई हेलो। हाँ माइक पीछे पास। हाँ मुझे पूछना है भैया, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि आपका COVID-19 में आपने नीट दी तो तब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम शिफ्ट करे तो आपने कौन से कुछ बैचेस परचेस किए थे या कोई यूट्यूब टीचर्स फॉलो करे थे ऐसा होगा तो, और कौन से करे थे? पर्सनली तो आई वॉज आई नेवर लाइक ऑनलाइन लर्निंग मच, एंड मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल्स एंड ऑनलाइन बैचेस मैंने पर्सनली उतना फॉलो नहीं किया था। मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी मैं उसी को फॉलो करता था। मैंने एक दो शायद टेस्ट पेपर वाले पैकेजेस और आई मे हैव परचेस्ड, आई डिड परचेस, बट देन क्लासेस एंड लेक्चर्स ऑनलाइन करने वो तो मैंने आई हैड नॉट परचेस्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास जो कंटेंट है वही मुझसे बेयरली हैंडल हो रही है तो मैं और खरीद के क्या ही कर लूंगा। एंड देयर इज वन वेरी कॉमन सेइंग व्हिच मेनी पीपल इन एनी मेडिकल कॉलेज वुड स्वेयर बाय कि
रादर देन रीडिंग 10 बुक्स वंस, रीड 1 बुक 10 टाइम्स. सो पर्सनली मैंने भी वही करने की कोशिश की थी. टेस्ट पेपर भले ही जितने चाहे लिख लो, अलग अलग इंस्टीट्यूट से लिख लो, जो भी करना है कर लो, बट मटेरियल एक या दो बुक एनसीईआरटी एंड उसके अलावा अगर कोई एक रेफरेंस बुक यू हैव माइट बी अ मटेरियल ऑल्सो, जस्ट स्टिक टू दैट. एंड वो जितनी बार हो सके वो पढ़ो, एंड उसमें जितना थरो हो पाओ उतना थरो हो जाओ. दैट इज माई पर्सनल बिलीफ ऑन दिस. यार ऑनलाइन लेक्चर्स एंड अच्छा ऑनलाइन लेक्चर्स तो नहीं, मैंने कोई लेक्चर्स नहीं लिए थे. जो इंस्टीट्यूट था, जो स्कूल था, उसी के नोट्स रिवाइज करे थे. रिसोर्स अगेन लिमिटेड था. 11th में काफ़ी बुक्स ले ली थी कि सब पढ़ेंगे, यानी 11th में पढ़ी भी थी. 12th में आते आते पता चल गया कि एनसीईआरटी से आना है, तो फोकस था. एंड जो दो बुक्स बताई, एमटीजी एंड सिंगेज, यही दो बुक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करी थी. और आपने बोला कि जो अपने वीक पॉइंट्स है उसमें ज्यादा मतलब क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करो, तो तब जब हम करते हैं वो तब हमें याद आता है कि पूरा चैप्टर एक बार थरोली चला गया तो अच्छा रहेगा, और सारा टाइम उसमें ही चला जाता है, तो उसको कैसे टैकल करें? तो ये एक चीज मैंने नोटिस की थी, नॉट जस्ट विद द चैप्टर्स आई वाज वीक एट, इवन द वंस दैट आई थॉट आई वाज थरो विद. अगर चैप्टर पढ़ने बैठ जाओगे तो भले ही 10 बार चैप्टर पढ़ लिया हो, 10 नई नई चीजें बाहर आ जाएंगी व्हेन यू रीड इट फॉर द 11th टाइम. दैट्स जस्ट हाउ द सिलेबस इज. तो ये जो एक रैबिट होल सा होता है उसमें गिरना नहीं है, कि शायद अगर मैं पूरा चैप्टर एक बार बैठ के पढ़ लूं तो शायद आई विल बी एबल टू सॉल्व बेटर. क्योंकि इफ यू डू स्टार्ट रीडिंग दैट वन चैप्टर, उसके बाद वही सेम लॉजिक यूल अप्लाई टू द रिमेनिंग 9 चैप्टर्स एज वेल. तो मतलब ये मुश्किल होता है करना, बट पर्सनली आई बिलीव जितना हो सके रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन इज वॉट यू हैव टू डू. अगर दिन में से 7 घंटे पढ़ते हो इमेजिन, तो उसमें या तो तुम 10 चैप्टर कर सकते हो आधा घंटा देके, और तुम 3 चैप्टर कर सकते हो 2 2 घंटा देके. सो यू हैव टू फिगर आउट विच इज गेटिंग यू बेटर रिवॉर्ड्स, विच इज हेल्पिंग यू बूस्ट योर स्कोर मोर. मैंने पर्सनली रियलाइज किया था, काइंड ऑफ इन माय इन रेट्रोस्पेक्ट मैंने काफी लेट रियलाइज किया था, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन सम थिंग्स प्रॉपरली रादर देन एवरीथिंग अ लिटिल बिट. तो दैट मुझे थॉट आता है कि शायद मुझे पूरा कर लेना चाहिए. इट्स अनअवॉइडेबल, आता ही रहेगा. काइंड ऑफ यू हैव टू एक्टिवली फाइट इट, बिकॉज अगर वो करने बैठ जाओगे तो फिर टाइम वेस्ट ही होगा. द अमाउंट ऑफ टाइम यू पुट इनटू इट, यू नॉट गोइंग टू गेट सफिशिएंट रिवॉर्ड्स फॉर इट. मेरा स्टडी रिलेटेड सवाल नहीं है फिलहाल. मुझे पूछना है कि वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है एमजीली का. जैसे कि भैया ने बोला था वो यहाँ पे 12+ साल लाइब्रेरी में रुकते थे, दिन भर पढ़ते रहते थे, तो वहाँ पे भी इतना ही पढ़ना पड़ता है या फिर कुछ और भी करते हो? और वहाँ पे कितना पढ़ते हो, एम्स में, वहाँ का एम्स लाइफस्टाइल? में हाँ, जो हम बोलते हैं कि एमजीली वर्थ इट है, तो ऐसा क्या है खास? मतलब इन माय पर्सनल केस तो मेरी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुई है फ्रॉम 11th एंड 12th टू एम्स. कुछ चीजें बेटर नॉट सेट, बट ये चीज है कि आई हैव ट्राइड टू डेवलप अ फार मोर होलिस्टिक कंप्लीट लाइफस्टाइल आफ्टर गोइंग देयर. मैंने वहां जाके आई टुक माय गिटार फ्रॉम होम, मैं कुछ टाइम वो जाने स्पेंड करता हूँ. आई हैव ट्राइड टू लर्न सम डांस, स्पोर्ट्स में फुटबॉल खेलता हूँ वहां पे. एंड एवरी सिंगल पर्सन दैट आई नो इन एम्स, उन्होंने भले ही 11th एंड 12th में सिर्फ पढ़ाई की हो, कॉलेज आके उन्होंने काफी अलग अलग फील्ड्स में एक्सप्लोर किया है. इवन एकेडमिक्स में ही अगर देख लो तो कुछ लोग हैं जो वहां जाके मेड क्विजेस के लिए जाते हैं, कुछ लोग हैं जो रिसर्च के लिए जाते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन. तो इन इन कॉलेज योर अपॉर्चुनिटीज आर सॉर्ट ऑफ एंडलेस. तो मैंने ये रियलाइज किया कि आई मतलब वॉट आई फेल्ट फॉर माई सेल्फ एटलीस्ट, इसकी मुझे बहुत सारे अलग अलग फील्ड में डेवलप करना है. तो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू स्प्लिट माई टाइम अमंग देम. देर हैज बीन अ वेरी मेजर शिफ्ट इन माई लाइफ स्टाइल. मतलब जैसे मैं 11th 12th में था, मैं अभी वैसे नहीं हूँ. बट पर्सनली मुझे लगता है वो पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिव चेंज ही है. स्टडी यार एम्स में यार आस्किंग. और अच्छा आई वोंट लाइक, कुछ दिन से जब मैंने पढ़ाई की नहीं थी, अभी भी होते हैं, बट मेडिकल कॉलेज में आके जो मेरे सीनियर्स ने कहा है, इट्स दैट अगर दिन में क्लास के बाद 1.5 घंटा भी पढ़ लो, लेकिन अगर रोज पढ़ पाओ तो बहुत बड़ी बात होती है.
पर्सनली आई हैव फेल्ड इन दिस, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए ऐसा ही होता है कि एग्जाम से 2 1.5 महीने पहले पढ़ाई नहीं होती है, फिर एग्जाम के 2 हफ्ते पहले हो जाती है. एंड एमबीबीएस एग्जाम्स आर कम्पिटिटिव, तो वो चल जाता है टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. बट दी आइडियल मेथड ऑफ स्टडी मैं तो कहूंगा कि ये होता है कि थोड़ा सा पढ़ लो. यू यू डोंट हैव टू स्टडी अ लॉट, यू जस्ट हैव टू स्टडी रेगुलरली. तेरा तो काफी डिसिप्लिन लेवल का पैरेंट्स भी नहीं बोल तेरा सीन दिखा रहा है यार. स्टडी आवर्स तो काफी कम हो जाते हैं, मतलब अगर वहां पे 8 घंटे पढ़ रहे थे तो यहाँ पे 2 घंटे ही पढ़ते हैं. तो मेरा थोड़ा सा रेगुलर सा है कि कॉलेज गए, कॉलेज के बाद थोड़ा सा जिम एंड बैडमिंटन बास्केटबॉल, तो स्पोर्ट्स के लिए कुछ टाइम, फिर थोड़ी सी पढ़ाई एंड रात को मेडिकल सोसाइटी वगैरह या रिसर्च ओरिएंटेड कुछ देख लिया एंड दैट्स इट. तो दिन का 1 या 2 घंटे मैक्स होता है, उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं होती. अगर रेगुलर इतना पढ़ रहे हो तो आराम से एग्जाम हो जाते हैं. लेकिन अगर मेरी तरह पढ़ रहे हो एंड एंड में पढ़ना है तो 8 10 घंटे पढ़ना होता है. मेरा ये क्वेश्चन है कि कभी कभी प्रिपरेशन के टाइम में एकदम डाउन फील होता है या फिर ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप ये ऐसा क्या करते थे? यार सबके लिए ये अलग अलग हो सकता है. अगर मेरे लिए स्ट्रेस रिलीज करना है कि मैं जाके बाहर कुछ खेलूं तो मुझे वो करना चाहिए. मृणाल को अगर गाने सुनना पसंद है तो वो गाने सुनेगा स्ट्रेस कम करने के लिए. अगर किसी को बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो अपने क्लोज रिलेटिव से, पेरेंट्स से, फ्रेंड से बात कर सकते हो. एंड हमेशा माइंड में ये बात रखनी है कि सबके साथ होता है, आप यूनिकली, ऐसा नहीं है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, कि कुछ गलत चीज़ है आपको डिप्रेशन होना, सबके साथ होता है, नेचुरल है. एंड आपको वेज टू फाइट ढूंढने हैं. अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना सुन लो, डांस करना अच्छा लगता है, डांस, कुछ खेलना अच्छा लगता है या फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है तो वही चीज कर सकते हो. तो स्ट्रेस को मिनिमम लेवल पे रखोगे तो आउटपुट बढ़ता है. अगर ऐसा कुछ करो या जिससे अपना स्ट्रेस कम हो, तो मतलब ऐसा अगर गाने सुनो या फिर किसी से बात करो तो ऐसा लगता है कि अपना और टाइम वेस्ट हो गया फिर. तो देखो वही, यहाँ पे मेरे लिए टाइम टेबल काफी अच्छा रहता है कि मुझे पता था कि इस टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी नहीं है तो इस टाइम पे मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे कुछ और करना है. मैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए सपोज मैं खेलने चला जाऊंगा, मुझे पता है दिन के ये 2 घंटे हैं, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है. तो अब मुझे पहले से पता है तो फिर मैं बाद में गिल्ट नहीं करूंगा ना. अगर मुझे ऐसा लगता कि मुझे दिन में 24 घंटे पढ़ना ही है और फिर मैं 2 घंटे खेलने चला गया तो मुझे बाद में गिल्ट होता है कि पढ़ने वाले टाइम पे चला गया. तो पहले से वो अपना आवर्स सेपरेट करके रखो कि ये आवर्स है ही मेरे लिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने स्ट्रेस कम करने के लिए. तो फिर उसको जब आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो फिर गिल्ट नहीं होगा एंड बेनिफिशियल रहेगा. थैंक यू. हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पर्टिकुलर कोई चैप्टर होता है जिसकी मैंने प्रिपरेशन की है, बट उसमें मेरे मार्क्स भी अच्छा है, बट बायो में एक चैप्टर है, इट इज द ओनली चैप्टर लाइक मेरे को उसका फोबिया डेवलप हो गया है, प्लांट किंगडम. मेरे उसमें मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं और मैंने उसको काफी बार पढ़ा है, बट वो फोबिया जा ही नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा हुआ ही नहीं. तो उस सिचुएशन को मुझे कैसे टैकल करना चाहिए? मॉक टेस्ट से मार्क्स से काफी अच्छा रिफ्लेक्शन होता है कि आपको वो चैप्टर आता है कि नहीं आता. अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो चैप्टर याद है एंड बस अपने आप को ये डेवलप करते रहना है कि वो आता है, नेक्स्ट पे फोकस करो. अगर आपको पता है कि वो आपको अच्छे से आता है तो उस पर बार बार उसको पढ़ने से अच्छा कुछ ऐसी चीज करो जो लगता है कि जिसमें गलतियां हो रही हैं. तो प्लांट किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लर्निंग है, कुछ ज्यादा समझने का नहीं है, एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, वो टाइप्स लर्न करने हैं, सब डिविजन्स लर्न करनी है. तो एक बार वो याद हो गई तो कॉन्फिडेंस अपने आप को बोलना है कि हाँ आता है, मार्क्स आ रहे हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड, नेक्स्ट पे फोकस कर. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाइल सॉल्विंग मॉक टेस्ट मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते हैं और बचते हैं 2 ऑप्शन. तो उसमें जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देती हूँ उस क्वेश्चन को, तो मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेती हूँ कि ये क्वेश्चन ये आंसर हो सकता है, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो देन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बट जब मैं सेकेंड टाइम उस क्वेश्चन को फाइनली अटेम्प्ट करने जाती हूँ, तो मैं इनकरेक्ट आंसर टिक कर देती हूँ. मतलब प्रीवियसली मैंने उसको सही सोचा था, बट सेकेंड अटेम्प्ट में रॉन्ग टिक कर दिया. ये बहुत बार होता है, मतलब जब भी आप गेस मारने जाते हो ना, बाद में लगता है हर बार मेरा गेस गलत ही होता है, चाहे 50-50 चांस भी हो, हर बार ये फीलिंग आएगी. क्योंकि आप वो क्वेश्चन आपने गेस मार लिया और जो क्वेश्चन सही हो गया उसको आप वापस तो देखोगे ही नहीं, तो आप ये तो सोचोगे ही नहीं कि वो सही भी हुआ. पूरे माइंड में ये रहेगा इस पे गेस मारा था, ये गलत हो गया. तो जो मैं करता था, मॉक टेस्ट में गेस मत लो, अगर आपको नहीं आता छोड़ दो,
क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, आपने गेस मारा, चार क्वेश्चन चार ऑप्शन में से आपने गेस मारा और सही हो गया, वो क्वेश्चन को आप वापस कभी जाके नहीं देखोगे क्योंकि आपको याद ही नहीं होगा। जब वो क्वेश्चन गलत होगा तब जाके आपको याद रहेगा ये गलती करी थी। तो मॉक टेस्ट में जितने गेस अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो, एंड मेन एग्जाम में अगर दो ऑप्शन में डाउट हो तो इंस्टिंक्ट्स के ऊपर होता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कर दो, तो दो ऑप्शन बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। मैं मोस्ट प्रोबेबली अगर एग्जाम में दो ऑप्शन में डाउट होता तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कर देता, लेकिन मैं कोई सजेस्ट नहीं करूंगा इसमें, वो अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर है। थैंक यू। आप तीनों ने जैसे बोला कि आप लास्ट के जो मंथ में आपने सिर्फ वीक टॉपिक्स पे फोकस किया, तो वीक टॉपिक्स मतलब आपने खुद के नोट से रिवाइज किए या यूट्यूब से वन शॉट लगाया या टीचर से बात किया, कैसे किया वो कवर? पर्सनली मैंने एनसीईआरटी से रिवाइज किया था। इफ यू हैव पर्सनल नोट्स फ्रॉम विच आर एनसीईआरटी बेस्ड, वही मुझे लगता है आइडियल सोर्स होता है, क्योंकि वो आपने अपने लिए बनाया है तो उसमें सबसे ज्यादा काम की चीजें होंगी जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है लेकिन मुझे याद नहीं रहता, वही चीजें आप नोट्स में लिखते हैं ना। तो अगर आपके पास नोट्स है तो आई वुड से दैट इज द आइडियल सोर्स, बट आई वॉज नॉट बिग ऑन टेकिंग नोट्स। मैं क्लास में लिख लेता था लेकिन मैं अपने पर्सनल नोट्स कम ही बनाता था, तो इसलिए फॉर मी माई प्राइमरी सोर्स वॉज एनसीईआरटी। एंड एनसीईआरटी मोस्ट ऑफ द टाइम चैप्टर, मोस्ट ऑफ द टाइम चैप्टर छोटा ही होता है, सो आई फेल्ट लाइक आई वॉज विलिंग टू गिव 1 1.5 आवर्स टू रिवाइज दैट चैप्टर प्रॉपरली। तो मैं तो एनसीईआरटी से करता था, दैट वॉज माई चॉइस, बट आई डू थिंक कि अगर नोट्स है तो दैट्स द बेटर ऑप्शन। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मतलब फिजिक्स में आप एनसीईआरटी को कैसे यूज करते थे फिर? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़ी है, एंड मैं नहीं पढ़ता था बाय द वे। फॉर हमारा प्रेपरेशन काइंड ऑफ 2.5 साल के लिए चला था क्योंकि कोविड रिलेटेड डिलेज थी, तो उन 2.5 में से शायद मैंने 1.5 2 साल के लिए एनसीईआरटी छुई नहीं थी फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री, मे बी अ गुड सम चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी एज वेल। बट जब मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये इतनी बड़ी गलती की थी मैंने, क्योंकि जब मॉक टेस्ट, जब पार्ट पोर्शन टेस्ट होता है ना, वो जो 3 4 चैप्टर लेके, तो उसमें शायद मुश्किल वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आप मॉड्यूल वगैरह करके सॉल्व हो पाते हैं, तो मैं उसमें कर लेता था क्योंकि मैं मॉड्यूल पढ़ के ही जाता था। बट जब मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ तब क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आने लगे, एंड जब मुझे ये मालूम पड़ा मैंने सोचा ठीक है एनसीईआरटी तो मॉड्यूल से आसानी होगा, बट देन There were a lot of questions I couldn't solve, particularly जो theory वाले questions होते हैं, how many of the following statements are correct, which of the following statements is correct, ये तो मुझसे solve होते ही नहीं थे for a good 2 to 3 weeks। तो तब मुझे finally इतना late जाके realize हुआ कि NCERT is such an important resource, and from that point on मैंने completely pivot कर दिया, and मैंने modules, notes वगैरह को कम importance दिया, and almost my entire time that I was studying, I was reading NCERT। तो That was a mistake that thankfully I corrected in time, but वो मेरे को लगता है ये हर subject के लिए true होता है। Physics के लिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि NCERT करनी है, but the minute I started doing NCERT physics from NCERT, I saw my score go up from 160 to 170+। तो मेरे लिए that was the weak point, मतलब that was the missing link in the chain sort of। वाह। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अपने मतलब जब टेस्ट खाते हैं तो है ना अपने को मतलब पूरे दो मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूरे पूरे नोट्स रिवाइज करके अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन अपने को पूरे नोट्स अपने को पूरे नोट्स रिवाइज करने तक के मतलब अपना टेस्ट का टाइम आ जाता और फिर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मतलब अपनी थ्योरी रिवाइज होती सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होते और फिर उससे क्वेश्चन मतलब टेस्ट में बनते ही नहीं, क्योंकि तो क्या आप लोग पूरा मतलब टेस्ट के पहले पूरा क्वेश्चन पूरी थ्योरी रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे या फिर आपको मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते थे? ये सेइंग कि एग्जाम से पहले क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर नोट से रिवाइज करें, लाइक दैट राइट? तो पर्सनली मैं क्वेश्चन सॉल्विंग का काम एग्जाम से पहले करता, एग्जाम से एक दिन पहले नहीं, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले करता था, विच आई डिड। लाइक हमारा जो 1 से 2 वीक्स वाला सिस्टम अगर है समझ लो, तो मैं फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक के नेक्स्ट के फर्स्ट 3 to 4 डेज में क्वेश्चन सॉल्विंग करता था, एंड बिफोर द एग्जाम 1 और 2 डेज बिफोर द एग्जाम
मैं कंटेंट पढ़ता था एंड अगर फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की बात आ गई तो मैं ये फॉर्मूले रिवाइज करता था. मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग काफी कम की है एग्जाम के 1-2 दिन पहले एंड दैट्स द पैटर्न आई फॉलोड थ्रू आउट माई 2 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन. क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ टाइम. तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये रियलाइज किया है कि दैट यू हैव टू प्ले इट एज अ लॉन्ग गेम ओवर टाइम. तो इसीलिए मैं 1 हफ्ते 10 दिन के टारगेट रख के करता था कि इतने टाइम में इस चैप्टर के इतने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए एंड जहां पे भी गलतियां हुई हैं वो मुझे देख लेनी चाहिए. बट एग्जाम के 1-2 दिन पहले मैंने यूजली क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं किया है. आई हैव स्टक टू रीडिंग थियोरी. अरे मैं तो ऐसे ही बोल लो यार, अगर आती है बस. और अगर अल्टरनेट डे जो टेस्ट हो रहे हैं, अल्टरनेट डे जो टेस्ट हो रहे हैं, तो आप कैसे रिवाइज करते थे फिर? जैसे आप बोल रहे हैं आप रोज मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अच्छा अगर आप रोज मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो फिर आप रिवाइज कैसे कर रहे हैं? मतलब अगर हर डे मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, फिर आप उसको एनालाइज भी कर रहे हो, तो फिर आपका रिविजन पैटर्न क्या था? तो यहाँ पे मैं ये करता था कि लास्ट के 1.5 महीने में आई गेस एग्जाम्स में मैं मॉक टेस्ट रोज ही लिखता था. तो मैंने ये चीज शायद मेंशन की थी कि आई डिडंट ट्राई टू इम्प्रूव माई स्कोर इन राइट द नेक्स्ट टेस्ट. मैंने टारगेट ये रखा कि 1 हफ्ते बाद जब मैं मॉक टेस्ट लिखूंगा तब तक आई शुड सी विजिबल इम्प्रूवमेंट. तो मैं अपना स्केड्यूल मोस्टली ऐसे डिजाइन करता था कि सपोज मैं इतना टाइम पढ़ रहा हूँ, उसका 80% टाइम मैं अपने फाइनल नीट एग्जाम को मन में रख के पढ़ता था कि तब तक मेरा सिलेबस हो जाए उसके अकॉर्डिंग, नॉट कि कल के एग्जाम तक मेरा सिलेबस हो जाए. तो 80% ऑफ द टाइम दैट आई स्पेंड वॉज विद द फाइनल एग्जाम इन माइंड. कल के एग्जाम के बारे में उतना सोचता नहीं था. द रिमेनिंग 20% जो 1 घंटा या कुछ अगर बचता है, तो इन दैट यू कैन फोकस ऑन दोज टॉपिक्स जो कल के टेस्ट के बेसिस पे यू हैव रियलाइज यू आर लैकिंग इन. तो वो यूजली पूरे पूरे चैप्टर नहीं होते, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट या एक यूनिट मतलब एक सेक्शन होता है एक चैप्टर का. तो बिफोर द नेक्स्ट मॉक टेस्ट यू कैन सॉर्ट ऑफ प्लग दैट होल, यू रीड दैट स्पेसिफिक सेक्शन, वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया ताकि अगर उसी टॉपिक पे कल भी क्वेश्चन आ जाए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व. एंड कभी कभी सिर्फ ये करने से ही 5-10 मार्क का इम्प्रूवमेंट दिख जाता है, स्पेशली इफ इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यू वांट थरो विद. बट मेजोरिटी ऑफ माई प्रेपरेशन वॉज विद फाइनल एग्जाम इन माइंड. यू द गोल इज नॉट टू सी इम्प्रूवमेंट कल तक, इट्स टू सी इम्प्रूवमेंट 2 हफ्ते बाद, सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट 2 हफ्ते बाद. समझो आप मेरी जगह पे थे. तो मेरी बैच 9 से 12 है. हाँ ठीक है ना. हाँ फिर 9 से 12 अपनी मेरी बैच है, और फिर 12 के बाद पढ़ने के लिए आप कैसे करते, मतलब आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा, आप कैसे पढ़ोगे अगर आप मेरी जगह पे होते. 9 से 12 एक बार फिर से रिपीट करना अच्छे से. 9 से 12 बैच है और फिर उसके बाद आपके पास टाइम है जितना है, तो फिर उसमें आप कैसे पढ़ते अगर मेरी जगह पे होते. हाँ कोचिंग के टाइम 9 से 12 है, फिर पूरा दिन कैसे मैनेज करेगा 12 के बाद? टाइम टेबल, स्टडी स्टडी टेक्निक्स वगैरह. लेकिन इस सिचुएशन में 9 से 12 तेरा कोचिंग है? 12 तो 3 घंटे 4 घंटे की कोचिंग होती है राइट? तो मेरी भी क्लासेस 4-5 घंटे की ही होती थी. तो एक स्लॉट मेरा दिन का, क्योंकि तुम्हारी कोचिंग 9 से 12 हो रही है, इट मींस 2 से 5 वाला. तो मैं ये कहूंगा इरिस्पेक्टिव ऑफ विच क्लास यू आर इन, अगर तुम इस साल लिखने वाले हो, अगले साल, 2 साल बाद, आई डोंट नो, बट वट एवर इट इज, ये आदत बना लो कि 2 से 5 में एग्जाम लिख रहे हो. अगर एग्जाम 1 साल बाद है, यू डोंट हैव टू डू दिस एवरी डे, लेकिन जब भी वो पार्ट पोर्शन टेस्ट लिख रहे हो तो जो 3-4 चैप्टर्स के बेसिस पे होता है,
वो भी जितना हो सके 2 से 5 वाले स्लॉट में ही लिखो, क्योंकि सो दैट यू गेट यूज टू द फाइनल एग्जाम का पैटर्न. यूजली हो जाता था, मेरे साथ होता था कि मुझे दोपहर में नींद आती थी, तो बिकॉज ऑफ दैट कभी कभी फोकस लेवल्स वुड ड्रॉप ड्यूरिंग द एग्जाम. तो वो मुझे एक कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता था कि मैं 2 से 5 में एग्जाम लिखूं एंड मैं अपने आप को फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड रख पाऊँ. तो 2 से 5 कुछ एग्जाम मतलब टेस्ट लिख लो, एंड उसके बाद मेरा तो पर्सनली ये होता था कि क्लास के अलावा शायद 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी कर ली, 1-2 घंटा आई वुड स्पेंड टू रिलैक्स डूइंग समथिंग, या तो गाने सुन ली, कोई शो वगैरह देख ली, कभी कोई स्पोर्ट खेल लिया, कभी गिटार प्रैक्टिस खेली, मतलब वट एवर इट इज, वट एवर योर पर्सनल चॉइस, इट्स समथिंग टू कीप यू हैप्पी एंड मतलब कीप यू काइंड ऑफ सेन, कीप यू हैप्पी थ्रू दी प्रेपरेशन जर्नी. एंड नींद जितनी जल्दी आ जाए उतनी बेहतर. लाइक आई वुड मोस्ट ऑफ द टाइम गो टू स्लीप बाय एटलीस्ट अराउंड 11. समझो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तब आप क्या करोगे? मतलब तो 1-2 दिन बीच में टू टेक ऑफ इज फाइन. नहीं मैं नहीं आपको पढ़ना है पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तब तो वहां पे ना वो लोग कहते हैं कि मोटिवेशन कैन गेट यू थ्रू द डे बट डिसिप्लिन कैन गेट यू थ्रू इयर्स, इट कैन गेट यू थ्रू योर लाइफ. अगर एग्जाम है नहीं तो मैंने बीच में 1-2 दिन ऑफ लिया है, लेकिन समझ लो एग्जाम है एंड मैं जानता हूँ कि मेरे लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है, एंड इस अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा तो मतलब मैं जानता हूँ कि अगले एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाऊंगा. इन दैट केस इट कम्स डाउन टू डिसिप्लिन एंड विल पावर, पढ़ना. एंड ये सोच लो कि अगर अगले 2 घंटे पढ़ लिया तो उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स कर पाऊंगा. हो सकता है कि रोज 4 घंटे पढ़ाई ना हो, लेकिन कम से कम 1.5-2 घंटे तो पढ़ लो. इट्स अबाउट हैबिट फॉर्मेशन, यू नो. ऐसा नहीं है कि रोज इतना मिनिमम टाइम पढ़ना है, रोज 4-5 घंटे पढ़ लिया. हो सकता है किसी दिन ना हो पाए, सम डेज कोई और काम है, कोई घर में आ जाता है, या फिर कोई वो वट एवर रीजन, किसी दोस्त का बर्थडे. इट्स अबाउट हैबिट फॉर्मेशन कि अगर आज मैंने सोचा कि पढ़ना है, शायद मैं 4-5 घंटे ना पढ़ पाऊँ लेकिन 1-2 घंटे तो बिल्कुल पढ़ूंगा. तो वो ऐसे हैबिट बना के रख लो, अगर थोड़ा सा टाइम कम भी हो गया तो दैट इज फाइन, बट हैबिट को इन अ डिसिप्लिन मैनर फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है. मेरा मैक्सिमम स्कोर 690 तक गया है, तो फिर मैं 700 कैसे क्रॉस करूंगा? यार 630 का मतलब है कॉन्सेप्ट्स काफी हद तक क्लियर है. 630 कितना बोला स्कोर? 690 तक मैक्स 690. तो यार मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर ही है. 690 स्कोर जनरली ऐसा होता है जहाँ पे सिली मिस्टेक्स होती हैं. तो पहले ये एनालाइज करना है कि जो 690 में जो कम आ हो रही है नंबर, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, एग्जाम में ध्यान नहीं दिया उस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में नॉट लिखा था मैंने, नॉट नहीं पढ़ा, आंसर दे दिया, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट है जो बार बार गलत हो रहा है. यही दो चीजें हो सकती हैं पॉसिबिलिटी. तो मोस्ट प्रोबेबली जो 690 वाले लोग हैं उसमें ऐसा होता है कि सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, कि ये 3-4 क्वेश्चन हमेशा मैं गलत पढ़ लेता हूँ और हमेशा गलत मार्क करके आ जाता हूँ. तो पहले ये सही करना है कि जब भी क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा एक हैबिट बना लो चारों ऑप्शन पढ़ने हैं. ऐसा नहीं है कि पहला ऑप्शन पढ़ा सही लगा टिक मार दिया. जब चारों ऑप्शन पढ़ोगे तब आपको क्वेश्चन के बारे में पता चलता है. पहली ये चीज सिली मिस्टेक कम करने के लिए. दूसरा वही एनालाइज करना. अगर आप हर दिन मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका बेनिफिट तभी है जब आप जाके देख रहे हो गलती का है, एंड मोर और लेस आप रियलाइज करोगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में बार बार गलतियां होती हैं जिसका हमें को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है. हो सकता है हमें लगे हमें आता है, लेकिन बार बार गलतियों का मतलब है कुछ कॉन्सेप्ट में वीकनेस है, उसको फिर से पढ़ना है. एंड अगर गलतियां परसिस्ट होती है अपने टीचर से बात करो कि क्यों हो रही है, एंड यू विल फाइंड आउट कुछ कॉन्सेप्ट में वीकनेस थी एंड उसको आप स्ट्रेंथन करके मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो. थैंक यू. हेलो सर, नाउ लास्ट 5 मिनट्स जिसको भी पूछना अपना हाथ पहले ही खड़ा कर. 1, 3, 4, 5, ठीक है, एक एक मिनट है अभी सबके पास. सर माय फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रेक्टिफाई एंड एनालाइज आवर मिस्टेक्स एंड लूपहोल्स दैट वी फेस एंड हाउ टू वर्क ऑन देम. तो एक तो कर सकते हो कि एरर वाली कॉपी एक मेंटेन कर लो, कि जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो उसमें नोट डाउन कर लो, या फिर उसके अलावा ये चीज होती है कि अगर कोई एरर आइडेंटिफाई किया है तो उसको करेक्ट करने के 2 स्टेप्स होते हैं. एक तो यू हैव टू पुट इन द टाइम टू करेक्ट दैट इन प्रैक्टिस, कि एक कोई वीक टॉपिक समझ आ गया कि मतलब कि अच्छा ये टॉपिक मेरा वीक है, तो एक तो ये करना होता है कि उसके बारे में जाके पढ़ो, गो एंड रीड दैट टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी मॉड्यूल व्हाटएवर यू फॉलोइंग.
एंड दूसरा स्टेप होता है एग्जाम में एक्चुअली वो दिखाना. तो ओवर टू स्टेप्स यू हैव टू करेक्ट इट. एंड ये चीज देख लो कि एटलीस्ट आफ्टर यू रेड अ टॉपिक इमीडिएटली अगले अगले पेपर में इट्स लाइकली यू विल फाइंड अ न्यू काइंड ऑफ एरर, कोई अलग गलती आ गई तो उसको करेक्ट करना है. लेकिन ये जो गलती करेक्ट की है उसको भी करेक्ट रखना है. तो वो मेंटेनेंस में भी थोड़ा करना पड़ेगा कि जो पहले पढ़ा है बट थोड़ा सा वॉलेटाइल लग रहा है उसको रिवाइज कर लो एक बार. अगर सिर्फ 4-5 दिन पहले पढ़ा है तो 15-20 मिनट में जल्दी से रिवाइज हो जाएगा एंड उससे यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट फॉर लॉन्गर. तो ये चीज है कि वन थिंग यू कैन डू वेरी मटेरियल थिंग आई एम सेइंग इज एरर कॉपी. उसके अलावा इट कम्स डाउन टू माइंडसेट थिंग कि जो मैंने पहले गलतियां की है अगर मुझे लगता है कि वो फिर से हो सकती है तो आई नीड टू पुट इन वर्क टुवर्ड्स दैट एज वेल. सॉरी बट वो एरर कैसे फाइंड करें इधर? सॉरी मतलब जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो कभी एनालाइज नहीं होती है, मतलब क्वेश्चन पेपर चेक करने के बाद वगैरह. तो एनालाइज इन द सेंस मतलब कि कौन से टॉपिक से है या फिर मतलब एनालाइज इन व्हाट सेंस? मतलब कभी टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं या क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो फिर गलती कौन से मींस कहां पे हो रही है वो भी समझ में नहीं आती फिर. अच्छा तो एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स उसका अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि कौन से चैप्टर में गलती हो रही है, ये रियलाइज करना होता है कि इज इट बिकॉज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या कोई फैक्ट याद नहीं रहा. एक सेंटेंस लिखा है एनसीईआरटी में एज इज, वो एग्जाम के टाइम याद नहीं आया, उसको करेक्ट करने का तरीका अलग होता है एज कम्पेयर टू ये फॉर्मूला अप्लाई करना मैं नहीं जानता. तो यू नीड टू एनालाइज अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट. ये कभी कभी मिस्टेक हो गया एग्जाम में लेकिन इट्स नॉट बिकॉज यू डिडंट नो दैट, इट कुड बी कि उस एक मोमेंट के लिए मतलब लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन हो गया या फिर यू वर्न्ट एबल टू मैनेज टाइम, टाइम की वजह से स्ट्रेस में आ गए इसीलिए एग्जाम में नहीं कर पाए. ये सब भी पेपर एनालिसिस में आता है. पेपर एनालिसिस डज नॉट जस्ट मीन कि ये जो मैंने गलती की है वो कौन से चैप्टर से है. तो इन सभी वेज से एनालाइज करो. शायद तुम्हें किसी पेपर में बहुत कम आ गए बट वहां गलती तुम्हारी प्रेपरेशन की नहीं थी लेकिन टाइम मैनेजमेंट की थी, तो देन तुम ये जानते हो कि अगले एग्जाम में जो पहले वाले क्वेश्चन है मुझे फोकस के साथ करना है एंड जल्दी करना है ताकि एंड में जाके टाइम की दिक्कत ना आए. तो दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एरर एनालिसिस एंड दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एरर करेक्शन. तो ये सब चीजें भी करनी होती है. और अगर एग्जाम में ऐसा हो रहा है कि आपका कोई टॉपिक परफेक्टली हो गया है, आपने क्वेश्चंस लगा रही है सब कर लिया, पर जब आप घर पे आके जब क्वेश्चन पेपर चेक करते हो तब वो क्वेश्चन जो गलत हुए वो आपके सही होने चाहिए थे पर गलत क्यों हुए वो पता नहीं चलता क्योंकि वो आपको आते थे पहले से. क्योंकि पहले से आते मतलब वो कैन यू रिपीट योर मतलब व्हाइल सॉल्विंग वो गलत हो गए थे. अच्छा हाँ तो वो भी किसी रीजन से होगा, या तो तुम्हारे पास टाइम नहीं था या तुम्हारे उस 5 मिनट के लिए काइंड ऑफ तुम्हारा फोकस वेवर्ड हो गया. तो मतलब सिली मिस्टेक्स के का भी कोई अंडरलाइंग रीजन होता है. इट कैन बी कि तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, इट कैन बी कि देयर समथिंग एल्स ऑन योर माइंड, कैन बी कि टाइम की दिक्कत आ गई थी या एग्जाम से डर गए थे, स्ट्रेस हो गया. देयर इज ऑलवेज एन अंडरलाइंग रीजन फॉर अ सिली मिस्टेक ऑल्सो. तो वो समझना इंपॉर्टेंट है एंड ये होती रहती है, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ ये नहीं हुआ है. तो अगले एग्जाम में ट्राई टू इंप्रूव योर फोकस, ट्राई टू मे बी मेडिटेट और समथिंग इफ यू आर इनटू दैट, आई डोंट नो, बट गो हैव सम काइंड ऑफ अ डी-स्ट्रेसिंग रिचुअल ताकि एग्जाम में फोकस मेंटेन हो जाए. अगर टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, इफ यू हैव टाइम मे बी यू कैन ट्राई अ डिफरेंट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, वो भी कर सकते हो. या नहीं तो अगर पहले के क्वेश्चन में क्योंकि लगता है टाइम बहुत है इसलिए ज्यादा टाइम लगा रहे हो, मन लगा के सोचो कि मुझे अगले 5 क्वेश्चन 7 मिनट में खत्म करने हैं, ऐसे टाइम लगा के चलो. तो मेक सम चेंज, मेक एटलीस्ट एन अटेम्प्ट इन योर नेक्स्ट पेपर. और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब फ्रस्ट्रेशन वगैरह कोई टॉपिक मतलब आता है, थियरी पढ़ चुके हैं पर क्वेश्चन गलत हो गए तो उस टाइम पे क्या करना? ये वही कह रहा हूं, देयर विल बी अ रीजन फॉर दैट. अगर तुम्हें टॉपिक आता है तो वही टॉपिक फिर से जाके पढ़ के यू कैन नॉट अवॉइड द मिस्टेक. अगर गलती हो रही है यू आर ट्राइंग टू करेक्ट समथिंग एल्स. तो पहले एनालिसिस मींस रिफ्लेक्शन, अंदर झांको में देखो कि गलती क्यों हुई थी. इट्स मिस्टेक्स डोंट ऑलवेज हैपन क्योंकि पढ़ा नहीं था, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. तो अगर तुमने कोई टॉपिक पढ़ा था एंड उसका जो कॉन्सेप्ट है वो तुम जानते हो लेकिन फिर भी गलती हुई है तो वो टॉपिक फिर से पढ़ के तुम मोस्ट लाइकली उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट विथ योर प्रेपरेशन, मे बी इट्स विथ योर माइंड सेट, मे बी इट्स विथ योर फोकस. तो योर स्टेप्स टूवर्ड्स करेक्टिंग इट शुड बी ऑन योर माइंड सेट नॉट ऑन योर प्रेपरेशन. और कोई टॉपिक को परफेक्ट कैसे करें, मींस कोई स्टेप्स कैसे, मींस पहले थियरी पढ़े या पहले फिर उसके शॉर्ट नोट्स पढ़े या कैसे?
हर किसी का मेथड डिफरेंट होता है. मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन मैं कभी कभी अंडरलाइन कर लेता था जो मुझे लगता है कि थोड़ा वॉलेटाइल इन्फॉर्मेशन है. एंड जब मैं दूसरी बार रिवाइज करा था, मैं सिर्फ वो अंडरलाइन पॉइंट्स पढ़ता था. तो कैन बी एनीथिंग, बट यू हैव टू मेक दी मेक वॉट यू हैव टू रीड स्मॉलर एंड ऑफ बेटर वैल्यू. जो मालूम है कि आता है, कभी कभी मैं एक पूरा सेक्शन स्किप कर लेता था अगर मुझे लगता है कि मैं वो जानता हूँ. तो ऐसे भी पढ़ सकते हो. Thank you. Excuse me, ma'am. Last question. From release this side. Okay. So, अगर आपका स्कोर किसी एक ही पॉइंट पे मीन्स 10 to 30 मार्क्स के रेंज में कम ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें? मीन्स आप मीन्स अलग अलग टेक्निक्स फॉलो कर लिए, कभी क्वेश्चंस कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, मतलब कम ज्यादा भी प्रिपरेशन हो रही है तो भी वहां पे ही घूम रहा है स्कोर, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अगर पेपर लिखने के बाद जब एनालाइज करोगे, अगर पहले जैसी गलतियां ही हो रही है, then it means you've made an attempt to improve your score, but you've made an attempt in the wrong field. मतलब as I said, गलतियाँ हमेशा एक ही reason की वजह से नहीं होती. तो अगर score बढ़े नहीं रहा है, it's good that you've made an attempt, but ये सोचो कि क्या मैंने सही aspect of preparation में attempt किया है. Maybe you need to try focusing on something else. तुम्हारी preparation सही है, लेकिन तुम्हारा speed शायद कम हो. तो अगर speed कम हो, तो वो problem solve करके ही स्पीड बढ़ सकती है, थियरी पढ़ के बढ़ने नहीं वाली. तो वो एनालाइज करो कि आर यू पुटिंग योर एफर्ट्स इन द राइट प्लेस. थैंक यू सर. हेलो सर, ये मेरे बच्चे अभी 8वीं क्लास में हैं, तो इसके लिए आप क्या सलाह दोगे? मतलब इन्होंने कौन सी क्लास में? 8th स्टैंडर्ड में. यस, अच्छा, अभी 9th में गई हो, तो इन्होंने मतलब कब से शुरू करनी है और कैसे शुरू करनी है पढ़ाई? जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, मुझे नीट का फुल फॉर्म नहीं आता था. जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आया, मैंने सोचा कि मे बी आई शुड ट्राई टू बिकम अ डॉक्टर. एंड जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आया, मैं मेरे आसपास की जो क्लासमेट्स थे, वो फाउंडेशन कोर्स वगैरह के लिए जा रहे थे, स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते थे, तो मुझे भी थोड़ा ऐसा फोमो हुआ, ऐसा लग रहा है कि मैं शायद अपने दोस्तों से कुछ कम कर रहा हूँ. मैंने जाके अपने माता पिता से कहा कि मुझे भी भर्ती करा दो. उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा कि नहीं, तू स्कूल जा, तू स्कूल की पढ़ाई कर, उसके बाद अगर कुछ टाइम बचता है अपने तरीके से उसको स्पेंड कर, एंट्रेंस की पढ़ाई 11th में स्टार्ट करना. जब मैं 11th में आया, पहले 1-2 महीने के लिए मुझे लगा कि मुझे शायद फाउंडेशन लगा लेनी चाहिए थी, अगर होता तो शायद मेरा भलाई होता. बट 1.5 महीने बाद मेरे बीच में एंड कोई स्टूडेंट जिसने फाउंडेशन की थी, कोई डिफरेंस बचा नहीं था. इट मेक्स द ट्रांजिशन प्रोसेस इजियर. स्कूल से 11th 12th में आना एक बहुत बड़ा चेंज होता है बच्चे के लिए, एंड वो समझने के लिए उसका प्रेपरेशन मेथड भी बदल जाता है. सब्जेक्टिव से MCQ करने लग जा रहे हो, तो ये इन सब चीज़ों से एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. वो शायद किसी फाउंडेशन किए हुए बच्चे के लिए आसान था मेरे कंपैरिजन में, बट 2 months इन मुझे ऐसा लगा नहीं कि आई हैव लॉस्ट समथिंग. मैं तो अपने पेरेंट्स से ग्रेटफुली था कि कम से कम मैं अपने स्कूल लाइफ में मजे ही कर रहा था, यू नो. तो ये शायद मेरा पर्सनल ओपिनियन थोड़ा बायस्ड है, बट मैंने स्कूल में 1-2 ओलंपियाड लिखे थे, लेकिन मैंने उसके लिए कभी कोई कोचिंग नहीं ली थी. मैं अपने स्कूल के लिए जो पढ़ता था एंड वो जो एक वर्कबुक देते थे, वो सॉल्व करके मैं जाके लिखता था, उसके साथ मुझे जो भी आता था मैं उससे खुश था. I never tried to go beyond that, and personally I was okay with that. अगर आपको लग रहा है, आपके बच्चे को लग रहा है कि they want to do that, and आपको लग रहा है कि वो सिर्फ ऐसे peer pressure के में आके नहीं कर रहे, then it's fine. There might be people who've gained a lot of benefit from it. But personally, having not gone for foundation in 8th, 9th, 10th, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो एक बहुत ही compulsory या important चीज़ है. It can help you, but it's not necessary for you. That's my opinion. Thank you. और आप दोनों की राय इसके बारे में क्या है? मतलब आपने आपका नीट का गोल कब सेट किया था? मेरा भी 10th में डिसाइड हुआ था, 10th एंडिंग में. तो कोचिंग मैंने भी 11th 12th ही करी थी. उससे पहले 8th क्लास तो बहुत ही छोटी क्लास है, पूरा एंजॉय करने वाली क्लास है, तो अभी एंजॉय करने दो. असली मैंने पढ़ाई सही में 9th क्लास से शुरू करी थोड़ी बहुत जो करी थी. 8th तक मेरा ऐसे था, डिबेटिंग कंपटीशन हो गया, स्पोर्ट्स में मैं काफी इन था, तो मैं स्पोर्ट्स के लिए चले आता था. पढ़ाई मैंने 9th से स्टार्ट की, दैट टू खुद से स्कूल के लिए. एंड 11th मेरे ख्याल से आइडियल क्लास है, उससे पहले फालतू में स्ट्रेस नहीं देना चाहिए बच्चों को.
इलेवेंथ इज द आइडियल क्लास अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ आर मोर देन एनफ। इनकी राय क्या है, आपकी राय? मेरा भी मतलब जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था वो भी 11 से ही हुआ था। अप टू 10th मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि मुझे साइंस ही लेना है, क्योंकि उसके पहले शायद मैं आर्ट्स के लिए भी सोच रहा था, क्योंकि मुझे सामने जाके यूपीएससी वगैरह करने का भी विचार था। तो आई वॉज बायस कि चलो आर्ट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आजकल लोग आर्ट्स लेके यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो बट फिर बाद में ये विचार आया कि अगर आईएएस भी बनना है आगे, तो आई शुड गो विद एक स्ट्रॉन्ग डिग्री जो कि एमबीबीएस मानी जाती है। तो इसलिए फिर मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट की, वो भी दैट टू एट द एंड ऑफ 10th के लास्ट में आके। मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ता था, तो उसके लिए फिर मैंने शायद 10th की सीबीएसई वाली बुक्स लगा ली। उसके अलावा मैंने कभी एज सच 10th तक तो सोचा नहीं है कि मैंने अलग से कुछ किया है मेडिसिन के लिए। बस इतना था कि एक बार अगर मैं घुस गया तो उसके फिर उस वहां से कभी कमबैक नहीं था। बट 11th 12th के पहले मैंने एज सच कुछ सोचा नहीं था। फाउंडेशन के बारे में शायद मुझे पता भी नहीं था कि 8 9 10 में ऐसा भी होता है। ओके, थैंक यू। आप तीनों की बातें सुनकर और सी इज फीलिंग वेरी रिलैक्स नाउ। तो उसको लग रहा था कि मुझे कहाँ लाके रख दिया इन्होंने, पापा ने अभी से। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, जैसा सर ने बताया अभी कि उनकी बच्ची जो है तो 8th में है, ऐसे मेरा भी बच्चा 8th के लिए यहाँ पर आया है, और सर ने भी, वसीम सर ने भी 8th क्लास से, ये फर्स्ट बैच रहेगा उनका इस साल से, कि वो फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में हम तो 8th में यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन बाहर जितने भी बोर्ड्स देख रहे हैं अभी आजकल हम, तो स्टैंडर्ड 6th से ही फाउंडेशन स्टार्ट हो जा रहा है। तो हमारे को तो थोड़ा सा फील भी हुआ कि हम कहीं पीछे ना पीछे तो नहीं रह गए 2 साल। तो सर आपका जो बैच था 2022, 21 हाँ, तो सर एक वो एक अलग कॉम्पिटिशन का हो सकता है, ऐसा एक मेरी फीलिंग्स हैं। लेकिन अभी जो बैचेस आ रहे हैं 8th से फाउंडेशन, ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अगर इनको 8th से फाउंडेशन रहा तो थोड़ा सा टच में रहेंगे और इनको कहीं ना कहीं आगे जाकर फायदा हो सकता है। इस पर आपकी, आपने तो वैसा बता दिया है तमाम चीज़ें, फिर भी अभी जो कंपटीशन में इनका जो बैच रहेगा एक 4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, तो एक बहुत ही टफ कंपटीशन में इनको फेस करना है, ऐसा मेरे को लगता है। तो इनको थोड़ा सा, जो सर ने भी एक बहुत ही अच्छा अप्रोच लिया है यहाँ पर चौधरी सर ने, कि भाई 8th से फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं इस साल से, तो एक पॉजिटिविटी मैं सोच रहा था कि बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा आपके जो फीलिंग्स है, आपने जो डिस्क्राइब किया आपके तौर पर, तो थोड़ा सा और हमारे दोनों का भी जो अभी डिफरेंट फीलिंग्स आए हुए हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, तो अब ऐसे जो मैंने थोड़ा सा मेरा फीलिंग्स बताया उस पर आपका क्या राय है, तो सर उसको थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। मतलब ये तो मैं कहूंगा कि हमारे नीट लिख के ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, तो पर से मैं ये तो नहीं जानता कि काइंड ऑफ अगर लैंडस्केप में कोई बदलाव आया है, इफ फाउंडेशन इज एनी मोर इम्पोर्टेंट देन इट यूज टू बी। बट माई ओपिनियन इज सिंपल, अगर तुमने 11th एंड 12th की पढ़ाई 10th में कर भी ली, तो तुम्हें 12th में जाके वो याद नहीं आने वाली। एंड अगर 11th एंड 12th की पढ़ाई तुमने 10th में की है, तो देर इज अ चांस कि जितना टाइम एंड एफर्ट आपको 10th स्कूल की पढ़ाई में डालना चाहिए था, वो आपने नहीं डाला। मैंने क्योंकि अपनी पूरी पढ़ाई सिर्फ स्कूल की ही थी, जब मैं 11th में आया था, भले ही मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना आता हो, मैं ये तो जानता था कि जो स्कूल के कॉन्सेप्ट है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, बिकॉज आई नो दैट आई हैड फोकस्ड ऑन देम। मैंने उसका ही एग्जाम दिया है, मैंने उसकी पढ़ाई की है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पक्का पक्का जानता हूँ। मैं उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। उस पे, उस फाउंडेशन पे जो मुझे बिल्ड करना है, वो मैं 11th एंड 12th में कर सकता हूँ। वेरस इन हेलो, ये हो सकता है कि अगर आपने सभी चीजें एक साथ करने की कोशिश की, तो आप कहीं पे भी ना रह जाओ। यू नो दैट इज अ फियर दैट आई वुड हैव हैड अगर मैं इस सिचुएशन के बारे में जानता तब। अगेन पर्सनल ओपिनियंस डिफर, देर आर अ लॉट ऑफ टॉपर्स हु हैव डन इट, हु हैव डन फाउंडेशन एंड वो एम्स में आए हैं, तो वो शायद कहें कि फाउंडेशन का उनका मतलब उनके प्रेपरेशन में बहुत ही बड़ा योगदान था। बट ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। एंड काइंड ऑफ मैं ये एडमिट करता हूँ कि ये बायस पैनल है थोड़ा, कि यहाँ पे कोई फाउंडेशन के लिए गया नहीं। अगर कोई फाउंडेशन के लिए गया होता तो मे बी दे वुड हैव बीन एबल टू गिव अ मोर कंप्लीट ओपिनियन, बट माय ओपिनियन इज दिस।
एक लास्ट क्वेश्चन तो सर, अभी सर यहाँ पे जो जितने भी बच्चे हैं वो सब काबिल है उनकी कैपेसिटी करने की, लेकिन उनका क्या हो रहा है कि अभी आज का जो युग है वो सब मोबाइल युग है, तो ये बच्चों ने मोबाइल का यूज कितना करना, कैसे करना, और इनमें अभी भी कुछ बच्चे ऐसे कि वो गेम पे जुड़े रहते हैं, होशियार है लेकिन उनका टाइम पास, समझो कि उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है 10 मिनट, तो एक बार वो गेम के अंदर, क्योंकि 2-2 घंटे 3-3 घंटे गेम ही खेलते बैठे, तो आप जरा इनको एक बार थोड़ा सा वो मोबाइल के बारे में बताइए। तो मोबाइल चलाना एक मतलब गलत बात नहीं है, मैंने अपना टाइम नहीं चलाया नो डाउट, लेकिन अगर आप दिन का 1 घंटा अपने रिफ्रेशमेंट के लिए मोबाइल को दे रहे हो तो वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी जब, जैसे आपने बताया, गेम में 2-3 घंटे लगातार करने स्टार्ट हो गए, तो अगर आपने दिन में टाइम अलॉट कर दिया कि दिन में 1/2 घंटा मोबाइल चलाऊंगी, एंड अगर आप उस पर स्टिक हो सकते हो कि 1/2 घंटा ही चला रहे हो, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर ज्यादा हो रहा है देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को बोल दो कि 1/2 घंटा होने के बाद मुझे रोक देना और मोबाइल मत देना, फोन पेरेंट्स को डिपॉजिट कर दो, 1/2 घंटे के लिए दिन में लूंगी और चलाऊंगी, वो फाइनल है कब चलाऊंगी, लेकिन उसके अलावा अवॉइड करना है। तो अगर कंट्रोल वे में आप यूज कर सकते हो देन बेस्ट वो ही। ये लोगों को लगता है कि काइंड ऑफ प्रॉब्लम मोबाइल फोन में, प्रॉब्लम मोबाइल फोन में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे लैक ऑफ डिसिप्लिन में। तो गोल ये नहीं है कि मोबाइल फोन्स बैन कर दो, गोल ये है कि डिसिप्लिन को एंकरेज करो। तो जब लॉकडाउन नया नया स्टार्ट हुआ था और मैं घर पे पड़ा था, तो मेरा स्क्रीन टाइम वाज ओवर द रूफ एंड टू अ वेरी डेबिलिटेटिंग डिग्री, मतलब इट वाज हार्मिंग मी एट दैट पॉइंट। बट इवेंचुअली मुझे रियलाइज हुआ कि इफ आई लर्न हाउ टू कंट्रोल द मोबाइल फोन रादर देन द अदर वे अराउंड, तो वो मेरे प्रेपरेशन के लिए हेल्पफुल ही है कि वो कुछ टाइम मैं रिलैक्सेशन के लिए यूज कर सकता हूँ, कुछ रिसोर्सेज मोबाइल फोन से यूज कर सकता हूँ। तो द गोल इज टू कंट्रोल द मोबाइल फोन एंड नॉट द अदर वे अराउंड, सो डोंट ट्राई टू कट इट डाउन कम्प्लीटली, इट वुड बी इफ यू आर यूजिंग, इफ यू आर नॉट यूजिंग वेल एंड गुड, बट इफ यू आर यूजिंग डोंट ट्राई टू मेक योर गोल कि मुझे 24 आवर्स मोबाइल के बिना जाना है। इट इज टू डिसाइड कि ये टाइम मैं मोबाइल यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ एंड उसके अलावा नहीं करूंगा, दैट शुड बी योर गोल माई ओपिनियन। जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तब केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स को कितना टाइम देते थे सॉल्व करने के लिए? ये पेपर पे डिपेंडेंट होता है, मैं हमेशा फिजिक्स पहले करता था इफ पॉसिबल। मेरा हमेशा ये होता था कि पहले एग्जाम का पहला 1 घंटा 15 मिनट 1.25 आवर्स आई एम गोइंग टू गिव टू फिजिक्स एज मच एज पॉसिबल, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड फिनिश फिजिक्स इन दैट। अगर एट द एंड ऑफ 75 मिनट्स भी मेरा कुछ फिजिक्स बचा है तो वो मैं बाद में आगे कर लूंगा। उसके बाद आई स्विच टू केमिस्ट्री विच आई वुड ट्राई टू फिनिश इन 45 to 50 मिनट्स एंड लास्ट के जो 50 मिनट बचते हैं वो मैं बायोलॉजी को दूंगा। दिस वॉज माई आइडियल टाइम स्कीम, बेयरली 20 to 30% ऑफ द टाइम डिड आई एक्चुअली फॉलो इट, क्योंकि यू हैव टू अडेप्ट एग्जाम को देख के। हो सकता है फिजिक्स बहुत लंबा है एंड 1.5 घंटा लग रहा है तो मुझे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में कम करना पड़ेगा, हो सकता है फिजिक्स छोटा है लेकिन केमिस्ट्री लंबा है तो मुझे, मैं फिजिक्स 1 घंटे में कर लूँ एंड केमिस्ट्री 1 hour to 1 hour 15 minutes में कर लूँ। तो हैव अ ब्लूप्रिंट इन माइंड बट यू शुड ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट ड्यूरिंग द एग्जाम। और जो शॉर्ट नोट्स है वो बनाना जरूरी है कि नहीं? यार शॉर्ट नोट्स मैंने तो नहीं बनाए किसी चीज के, मेरे ख्याल से मिनाल ने भी नहीं बनाए थे। शॉर्ट नोट्स एक बहुत ही टीडियस सा काम है, पहले आपको उतना एफर्ट पुट इन करना है शॉर्ट नोट्स बनाने में एंड उसके बाद माइंड में वो कन्फर्मेशन होना कि हाँ सारे पॉइंट्स इसमें हैं, क्योंकि मैंने ट्राई किया है शॉर्ट नोट्स बनाना, ऐसा नहीं है ट्राई नहीं करा, लेकिन बार बार मुझे ऐसा लगता था कि कुछ पॉइंट मिस हो गया, मैं फिर एनसीईआरटी खोलता था तो डबल टाइम लग जाता था उसमें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे बना लेते हैं, उनके एक बार नोट्स पढ़ो सब कंप्लीट, तो मैं उस टाइप का नहीं था, मैं हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ देता था, तो अपने ऊपर है। मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं थे शॉर्ट नोट्स, लेकिन अगर आपको लगता है कि उससे टाइम बहुत कम हो रहा है रिविजन का देन यू शुड गो फॉर इट। मेरा क्वेश्चन है कि मतलब आप पढ़ रहे सब कर रहे हैं, मतलब आप डेली पढ़ रहे हैं, फिर आपके जो मार्क्स है मॉक टेस्ट के तो वो लो ही आ रहे, तो फिर उसके लिए क्या करें? यार लो आने का वही है, एनालिसिस जो होता है पेपर का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन में। लो आने के रीजन बहुत होते हैं, जैसे आपका फोकस ही नहीं बना, आपकी स्पीड कम थी आपने आधा पेपर ही छोड़ दिया, या फिर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे सिली मिस्टेक्स बहुत कर रहे हो, तो जब मॉक टेस्ट दोगे ये एनालाइज करना है। अगर आपका पेपर ही छूट रहा है तो आपको पहले वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज टाइम में,
कि 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के मुझे 8 मिनट में सॉल्व करने हैं, 8 में ही 7 मिनट 5 मिनट में सॉल्व करने हैं। जब इस स्पीड को आप तेज करोगे तब आप उस कंडीशन में आपके मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। दूसरा, अगर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके टाइम देने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट दे देते हैं, 720 मार्क्स का घर पे बैठ के दे दिया लेकिन टाइम रखा ही नहीं, 4 घंटे में दे रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना है। जब घर पे टेस्ट दो तो ट्राई करो टाइम को आप सेट कर लो 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स में फिनिश करने की कोशिश करनी है, ताकि 15-20 मिनट ऐसे रखो जहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो या कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है उसको वापस अटेम्प्ट कर सकते हो। और तीसरा होता है कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत। अगर आपको एनालाइज करके पता चल रहा है कि ये चैप्टर्स में हर बार गलती हो रही है, फिजिक्स के ये चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो दैट्स वॉट कोचिंग इज फॉर। कोचिंग में आके अपने टीचर्स से पूछ सकते हो कि बार बार ये गलती हो रही है, एंड वो आपको समझाएंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स और इम्प्रूव हो सकते हैं। मतलब आप टेस्ट दिया और टेस्ट में जब टेस्ट सॉल्व कर रहे तो आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन के आंसर राइट है, और फिर बाद में वो लो मार्क्स आ रहे, तो फिर मतलब समझ ही नहीं रहा क्या करना, किस वजह से आ रहे लो मार्क्स। वही, जैसे कि जब आपने सपोज आपके 500-500 मार्क्स आए तो आपने एनालाइज करना है अभी ये जो बाकी के 220 मार्क्स रह गए ये कहाँ पे गलतियाँ हुई। सपोज मेजरली वही जैसे मैंने बताया, 3 डोमेन्स में गलतियाँ होती हैं, सिली मिस्टेक्स, क्वेश्चन छूट गया या फिर कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब आपने सेग्रीगेट कर लिया, आपको पता है कि मेरी सिली मिस्टेक ज़्यादा होती हैं, तो नेक्स्ट टेस्ट से आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करना, क्वेश्चन को चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना फिर अटेम्प्ट करना। दूसरा, अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो वही कॉन्सेप्ट जब तक आप टीचर से जाके समझोगे नहीं, अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे थ्योरी, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एनालिसिस को ब्रेक डाउन करना है इन 3 चीजों में और फिर उस डोमेन पे वर्कआउट करना है। ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से अपन ने भी प्रोग्राम्स क्लोज करना चाहिए, क्योंकि इनको भी फ्लाइट भी पकड़ना है नागपुर से, और यहाँ से नागपुर जाना है, फिर नागपुर से फ्लाइट है। सो ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, तो कुछ क्वेश्चन अपने जो क्लास के बच्चे हैं जो इंशाल्लाह इस साल अच्छा रैंक लाएंगे ऑल इंडिया, उनके लिए बचा के रखो, वो आंसर देंगे आपको क्वेश्चंस के। ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इन सभी के लिए एक बार क्लैप करिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ताकत से करके। और कुछ जो अपने क्लास के एम्स रिविजन टारगेट बैच के बच्चे हैं उनको यहीं रुकना है, उनके साथ इन सब बच्चों के एक हम फोटो लेने वाले हैं क्लास के अंदर यहाँ पे। उसके बाद जो अपनी अचीवर बैच है, गरीबों की बैच, उनको भी वहीं बैठना है अपनी जगह पे, एक उनके साथ एक फोटो लेंगे बच्चों के साथ। ठीक है, गरीबों की बैच मतलब मैं नेचर से गरीब बच्चे, बहुत गरीब बच्चे उसमें नेचर से, है ना, कोई मस्ती नहीं करते, कोई शरारत नहीं करते बेचारे, जहाँ बोले वहाँ चुपचाप जाके बैठ जाते। तो दो आपके फोटो रहेंगे, एक फोटो में गड़बड़ मत करो, एक इसमें रहेंगे जो अपनी एम्स टारगेट रिविजन बैच है या रिपीटर्स बैच या फास्ट ट्रैक बैच के जो बच्चे बैठे होंगे उनको एक फोटो में कवर करेंगे, और एक फोटो के अंदर अपन अच्योर बैच के एक साइड गर्ल्स और एक साइड बॉयज रहेंगे। समझ में आ गया? तो पहले बाकी जो प्रोग्राम पहले क्लोज कर लो, उसके बाद फिर आगे फोटो रहेंगे। तो पेरेंट्स उस वक्त प्लीज थोड़ा सा बाहर चेक रखेंगे। चेक चेक नहीं, चेक नहीं करना है, थैंक यू सो मच सर, है ना। सो जी थैंक यू सो मच सर, और ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच कि आपने आपका समय दिया और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज यहाँ पर आज ये सेशन किया था, और स्पेशली ये 3 ज्यूरीज को थैंक यू बोलते हैं। जोरदार एक बार इनके लिए तालियां, क्योंकि आपके जितने भी सवाल थे उन सभी के सवाल का जवाब आज इन्होंने दिया है। सो थैंक यू सो मच। श्रवा, तुम क्या कहना चाहोगी? चेक चेक भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि इतना अमेजिंग सेशन हुआ है, एंड एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सो यस, हम अभी कंक्लूड करते हैं कि हमारा सेशन आज बंद हो गया है, लाइक खत्म हो गया है। सो यस, दिस इज योर देसी ब्राउन गर्ल साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी शो, एंड थैंक्स टू आवर फोटोग्राफर्स फॉर कैप्चरिंग ऑल दी ब्यूटीफुल मेमोरीज फॉर अस, एंड थैंक यू सो मच वासिम सर, थैंक यू सो मच टू आवर रिस्पेक्टिव जूरी मेंबर्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए, थैंक यू सो मच, तो अभी सभी ने कह दिया है, लेकिन एक बार जोरदार तालियां। और जो कहते हैं ना, इवेंट का सबसे लास्ट वाला मोमेंट होता है जो कि बहुत ही स्वीट होता है, इसलिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं रेणुका मैम को यहाँ बुलाना चाहूंगी।
गुड आफ्टरनून एवरीवन. इट हैज बीन सच एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इवेंट. ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू अवर एस्टीम्ड गेस्ट तन्मय सर, मृणाल सर एंड यस सर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सिंसियर गाइडेंस एंड फॉर टाइम गिवन फॉर दिस इवेंट. सिंसियर थैंक्स टू हेड ऑफ द हेड ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, आवर मेंटर, आवर इंस्पिरेशन वासीम सर, आवर फैकल्टीज एस के सर, डी के सर, एंड अ वाइंड राउंड ऑफ अप्लॉज एंड थैंक्स टू ऑल एस्पिरेंट्स हु मेड दिस इवेंट अ मेमोरेबल वन. Thank you. Finally, I would like to thank all of you present over here for making time to be with us and today helping us to make this event a grand success. देखिए आप सब लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, शायद आप लोगों ने डार्विन का थियोरी पढ़ा है या पढ़ने वाले हैं. डार्विन का थियोरी पढ़ा है. ओके, मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ और बायोलॉजी की तो हूँ और लास्ट 25 इयर्स से बच्चों को साइंस पढ़ा रही हूँ. तो एक बहुत बढ़िया शेर है जो सर को काफी अच्छा लगा है. शेर ऐसा है, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, दाना मिट्टी में मिलकर भी गुले गुलजार होता है. जिनको कुछ बनना है तो पहले मिट्टी में मिलना पड़ता है और फिर उसका जो गुलशन बनना है वो तो पूरा जमाना देखता है. जोरदार तालियां, क्या बात है, खूब खूब मैम, बहुत खूब. हाँ जी सर, जी सर. और एक जैसे लाइफ फिलोसॉफी अगर किसी को सीखनी है या लाइफ में अगर कुछ बनना है तो ऐसा है, एक शेर है, दरिया सी जिंदगी पे सदके हजार जाना, मुझे नहीं गवारा साहिल की मौत मरना. मुझे नहीं गवारा साहिल. तालियां मैम के लिए, बहुत खूब मैम, बहुत यू सो मच. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू, गुड डे. और जिस तरीके से सर ने बताया था कि फोटो सेशन अभी यहाँ पर होने वाला है, सो सर आप ही अनाउंस कर दीजिए कि पहले कौन आने वाला है. वसीम सर, पहले कौन आने वाला है सेशन के लिए, फोटो सेशन के लिए? रिवीजन बैच, टारगेट बैच. सुन लिया, आ जाइए गर्ल्स इधर वो साइड और बॉयज ये साइड. और अचीवर बैच वही बैठिए, उनको भी मौका मिलेगा, रोने की जरूरत नहीं है. पढ़ो. नितिन वो ताड़े उमेश भेज.